नमस्कार साथियों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग दो चैप्टर खत्म कर चुके हैं। पहला चैप्टर था आपका कंप्यूटर का एक सामान्य परिचय, और दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने बात की थी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में, कंप्यूटर की संरचना देखा था। याद रखना, आपके जितने भी चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं वो सभी आप लोगों को एक जगह मिल जाएंगे। कंप्लीट कंप्यूटर क्लास के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। आज बात करेंगे इनपुट और आउटपुट युक्तियों के बारे में, युक्तियाँ। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। फिर से बोल देता हूँ कि इतने जितना हम लोगों को चैप्टर ख़त्म करना है, 13-14 आपके जो चैप्टर हैं, ये ख़त्म होने के बाद मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के लिए। जिस भी परीक्षा में कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का महत्व है, उन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, बस आपको ये 14 जो आपके चैप्टर हैं नहीं देखना है, और जो हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे उनको देख लेना है, बस कंप्लीट है। कंप्यूटर और मनुष्य के मध्य संपर्क स्थापित करने के लिए इनपुट आउटपुट युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इनपुट युक्तियों का प्रयोग कंप्यूटर को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है। इनपुट डेटा को प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर आउटपुट युक्तियों के द्वारा प्रयोगकर्ता को आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर मशीन से जुड़ी हुई सभी इनपुट आउटपुट युक्तियों को पेरिफेरल युक्तियां भी कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं इनपुट युक्तियां। इनपुट युक्तियों को आप सीधे सीधा सा एक शब्द में आप इसकी परिभाषा याद रखिए कि जो कुछ हम देते हैं वो इनपुट हो गया, और जो सामने से हमें परिणाम प्राप्त होता है वो हमारा आउटपुट हो गया। जैसे हम कम आपने कभी मोबाइल में देखा होगा कि गूगल पर जाके हम लोग उसे निर्देश देते हैं कि हमें क्या सर्च करना है। जो हम सर्च करवाते हैं वो हमारा इनपुट है, जो हम लोग उसमें डालते हैं, निर्देश देते हैं, वो इनपुट हो गए, और जो हमारे सामने परिणाम प्राप्त होता है वो हमारा आउटपुट हो गया, जिससे हमें जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो मिल जाता है, उसे ही आउटपुट कहते हैं। वे युक्तियाँ जिनका प्रयोग उपयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है, इनपुट युक्तियाँ कहलाती हैं। इनपुट युक्तियाँ उपयोगकर्ता से इनपुट लेने के बाद इसे मशीनी भाषा में परिवर्तित करती हैं। इस परिवर्तित मशीनी भाषा को सीपीयू के पास भेज देती हैं। कुछ आपकी प्रमुख इनपुट युक्तियाँ हैं, ये पूछ लेता है वन डे एग्जाम में कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है या आउटपुट। तो इतने जो भी आपके इनपुट डिवाइस हैं उन्हें याद रखना है आपको, जो आउटपुट डिवाइस हैं उन्हें भी याद रखना है, जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो सके। कीबोर्ड एक प्रकार की मुख्य इनपुट डिवाइस है। क्या है? मुख्य इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप में डेटा और सूचना देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड एक सामान्य टाइपराइटर की तरह दिखता है, किंतु इसमें टाइपराइटर की अपेक्षा कुछ ज़्यादा कुंजियाँ होती हैं, कीज होती हैं। जब कोई कुंजी कीबोर्ड पर दबाई जाती है तो कीबोर्ड कंट्रोलर और कीबोर्ड बफर से संपर्क करता है। कीबोर्ड कंट्रोलर दबाई गई कुंजी के कोड को कीबोर्ड बफर में स्टोर करता है, और बफर में स्टोर कोड सीपीयू के पास भेजा जाता है। सीपीयू इस कोड को प्रोसेस करने के बाद इसे आउटपुट डिवाइस पर प्रदर्शित करता है। कुछ विभिन्न प्रकार के कीबोर्ड जैसे QWERTY, DBORAK, DBORAK और AZERTY मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ये हैं आपके कीबोर्ड लेआउट। ये आपके ऊपर F1 जो F2 होती हैं ये फंक्शन की हैं। ये आपका अल्फा न्यूमेरिकल मेरिक की हैं ये सभी, और ये आपकी कर्सर कंट्रोल की हैं, और ये आपकी नंबर
नंबरिक कीबोर्ड कीपैड, ठीक है। कीबोर्ड में कुंजियों के प्रकार। कीबोर्ड में निम्न प्रकार की कुंजियां होती हैं, अक्षरांकीय कुंजियां, इसके अंतर्गत आपकी अक्षर कुंजियां होती हैं ए बी से लेकर जेड, ठीक है। और अंकीय कुंजियां आपकी 0 1 2 से लेकर 9 तक, ठीक है। फिर आपकी अंकीय कुंजियां, ये कुंजियां कीबोर्ड के ऊपर दाएं तरफ होती हैं, ये कुंजियां अंकों 0 से 1 2 से लेकर 9 तक और गणितीय ऑपरेटरों से मिलकर बनी होती हैं। फिर है आपका फंक्शन कुंजियां, कौन सी फंक्शन कुंजियां, इन्हें प्रोग्रामेबल कुंजियां भी कहते हैं। इनके द्वारा कंप्यूटर से कुछ विशिष्ट कार्य करवाने के लिए निर्देश दिया जाता है। ये कुंजियां अक्षरांकीय कुंजियों के ऊपर F1, F2 से लेकर F12 से प्रदर्शित की जाती हैं, फंक्शन कुंजियां। फिर आपकी कर्सर कंट्रोल कुंजियां, इसके अंतर्गत चार तीर के निशान वाली कुंजियां आती हैं जो चार दिशाओं दाएं बाएं ऊपर नीचे को दर्शाती हैं, हम लोगों ने देखा था ना पीछे। ये कुंजियां अक्षरांकीय कुंजियों और अंकीय कुंजियों के मध्य उल्टे टी आकार में व्यवस्थित होती हैं। इसका प्रयोग कर्सर को ऊपर नीचे दाएं या बाएं ले जाने के लिए करते हैं। इन चारों कुंजियों के अतिरिक्त चार कुंजियां और होती हैं जिनका प्रयोग कर्सर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। एक कुंजियां निम्न है आपकी, होम, क्या है होम, इसका प्रयोग लाइन के प्रारंभ में या डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में कर्सर को वापस भेजने के लिए करते हैं। एंड, इसका प्रयोग कर्सर को लाइन के अंत में भेजने के लिए करते हैं। पेज अप, जब इस कुंजी को दबाए दबाया जाता है तो एक पेज का व्यू एक पेज ऊपर हो जाता है, कर्सर पिछले पेज पर चला जाता है। पेज डाउन, जब ये कुंजी दबाई जाती है तो पेज का व्यू एक पेज नीचे हो जाता है और कर्सर अगले पेज पर चला जाता है। कीबोर्ड की अन्य कुंजियाँ, ये कुछ अन्य कुंजियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे कंट्रोल कुंजियाँ, कंट्रोल की CTRL, ये कुंजियाँ अन्य कुंजियों के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे Ctrl+S डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग करते हैं, सेव करने के लिए। इंटर कुंजी, इसे कीबोर्ड की मुख्य कुंजी भी कहते हैं, इसका प्रयोग उपयोगकर्ता द्वारा टाइप किए गए निर्देश को कंप्यूटर को भेजने के लिए किया जाता है। इंटर कुंजी टाइप करने के बाद निर्देश कंप्यूटर के पास जाता है और निर्देश के अनुसार कंप्यूटर आगे का कार्य करता है। फिर आपकी शिफ्ट कुंजी, शिफ्ट की, कीबोर्ड के कुछ कुंजी ऐसी होती हैं जिनमें ऊपर नीचे दो संकेत छपे होते हैं, उनमें से ऊपर के संकेत को टाइप करने के लिए उसे शिफ्ट कुंजी के साथ दबाते हैं। इसे कॉम्बिनेशन भी कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है। फिर है आपका एस्केप कुंजी, इसका प्रयोग किसी भी कार्य को समाप्त करने या बीच में रोकने के लिए करते हैं। यदि कंट्रोल की दबाए हुए हैं और एस्केप कुंजी दबाते हैं तो यह स्टार्ट मेनू को खोलता है। फिर है आपका बैक स्पेस कुंजी, इसका प्रयोग टाइप किए गए डेटा या सूचना को समाप्त करने के लिए करते हैं, या डेटा को दाएं से बाएं दिशा की ओर समाप्त करता है। फिर आपका डिलीट कुंजी, इस कुंजी का प्रयोग कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन से अक्षर को समाप्त करने के लिए करते हैं, किंतु यदि इसे शिफ्ट की के साथ दबाते हैं तो चुनी हुई फाइल कंप्यूटर की मेमोरी से स्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। फिर आपका कैप्स लॉक कुंजी, इसका प्रयोग वर्णमाला को बड़े अक्षरों में टाइप करने के लिए करते हैं। जब ये की सक्रिय होती हैं तो बड़े अक्षर में टाइप होता है, यदि ये कुंजी निष्क्रिय होती हैं तो ये छोटे अक्षर स्मॉल लेटर में टाइप होता है। फिर आपका स्पेस बार कुंजी, इसका प्रयोग दो शब्दों या अक्षरों के बीच स्पेस बढ़ाने बनाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है।
या कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है, स्पेस बार। फिर रैंडम लॉक कुंजी, इसका उपयोग सांख्यिकी की पेड़ को सक्रिय या निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। यदि ये कुंजी सक्रिय होती है तो अंक टाइप होता है, और यदि ये कुंजी निष्क्रिय है तो अंक टाइप नहीं होते हैं। फिर आपकी विंडो कुंजी, इसका उपयोग स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए करते हैं, विंडो कुंजी का। फिर आपका टैब कुंजी, इसका उपयोग कर्सर को एक बार में 5 स्थान आगे ले जाने के लिए किया जाता है। कर्सर को पुनः 5 स्थान वापस लाने के लिए टैब कुंजी को शिफ्ट कुंजी के साथ दबाया जाता है। इसका प्रयोग पैराग्राफ एंडेड डेंट करने के लिए भी किया जाता है। तो ये थी आपकी प्रमुख कीबोर्ड की कुंजियाँ, ठीक है। इंटर कुंजी, ओके बटन दबाने का एक वैकल्पिक तरीका भी है। शिफ्ट कुंजी, इस कुंजी को दूसरी कुंजियों के साथ प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे संयोजन कुंजी भी कहते हैं। कैप्स लॉक और नम लॉक को टॉगल कुंजी कहते हैं, क्योंकि जब ये दबाए जाते हैं तो इनकी अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती हैं। QWERTY कीबोर्ड में कुल 104 कुंजी होते हैं। कितनी? 104, साधारण भाषा में कहें तो 104 बटन होते हैं आपके, ठीक। फिर बात करते हैं पॉइंटिंग युक्तियाँ। पॉइंटिंग डिवाइसेज का उपयोग मॉनिटर की स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। कुछ मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले पॉइंटिंग युक्तियाँ जैसे माउस, ट्रैक बॉल, जॉस्टिक, लाइट पेन और टच स्क्रीन आदि हैं। ये सभी आपकी इनपुट डिवाइस हैं, याद रखना है, पूछ लेता है, माउस, ट्रैक बॉल, जॉस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग माउस के बारे में। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं हम लोग तो माउस का करते हैं। माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग युक्ति है। इसका प्रयोग कर्सर टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाली वाला ब्लिंकिंग पॉइंट या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त माउस का प्रयोग कंप्यूटर में ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं। इसका आविष्कार 1963 में, किसका? माउस का आविष्कार 1963 में स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर डगलस जी एंगल वर्ट ने किया था। तो अब आपसे वन डे एग्जाम में कैसे पूछ लेता है कि माउस का आविष्कार किसने किया था, या पूछ ले कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1963 कहाँ हुआ था, स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर डगलस सी एंगल वर्ड ने किया था। इस नाम को याद रखना। इसमें सामान्यतः तो 2 या 3 बटन होते हैं। इस बटन को बाया बटन और एक बटन को दाया बटन कहते हैं। दोनों बटनों के बीच एक स्क्रॉल व्हील होता है, जिसका उपयोग किसी फाइल में ऊपर या नीचे के पेज पर कर्सर को ले जाने के लिए करते हैं। ये आपका वायर माउस है, वो वायरलेस, जिसमें वायर ना हो उसे हम लोग वायरलेस कहते हैं, मतलब वायरस, वायर रहित, ये वायरस माउस है। माउस आपके सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। माउस के 4 प्रमुख कार्य हैं, क्लिक या लेफ्ट क्लिक, या स्क्रीन पर किसी एक ऑब्जेक्ट को चुनता है। डबल क्लिक, इसका प्रयोग एक डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने के लिए करते हैं। दायां क्लिक, यह स्क्रीन पर आदेशों की एक सूची दिखाता है। दायां क्लिक का प्रयोग किसी चुने हुए ऑब्जेक्ट के गुण को एक्सेस करने के लिए करते हैं। ड्रैग और ड्रॉप, इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। ये आपका ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल एक प्रकार की पॉइंटिंग युक्ति है, दिख रहा है आपको, ये आपका ट्रैक बॉल, जिसे माउस की तरह प्रयोग किया जाता है। इसमें एक बॉल ऊपरी सतह पर होती है,
इसका प्रयोग कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग निम्न लिखित कार्यों में किया जाता है, CAD वर्क स्टेशनों, CAM वर्क स्टेशनों में, कंप्यूटर वर्क स्टेशनों में जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, रडार कंट्रोल्स आदि में, जहाज पर सोनार तंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आपका लिखित में पूछ ले अगर कि ट्रैक बॉल किसे कहते हैं, तो आपको परिभाषा दे देनी है और इनके कार्य लिख देना है, ठीक है। तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो गए और आपके लिखित में भी अगर कहीं आ जाता है दोनों सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। और जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग मॉक टेस्ट में देखेंगे वो आपके वन डे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि लगभग उन्हीं से पूछ लेता है आपको। फिर आप बात करते हैं जॉयस्टिक, ये है आपका जॉयस्टिक एक प्रकार की पॉइंटिंग युक्ति होती है जो सभी दिशाओं के मूव में मूव करती है और कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जॉयस्टिक का प्रयोग फ्लाइट सिमुलेटर, कंप्यूटर गेमिंग CAD या CAM सिस्टम में किया जाता है। इसमें एक हैंडल लगा होता है जिसकी सहायता से कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। जॉयस्टिक और माउस दोनों ही एक तरह से कार्य करते हैं, किंतु दोनों में अंतर है कि कर्सर का मूवमेंट माउस के मूवमेंट पर निर्भर करता है, जबकि जॉयस्टिक में पॉइंटर लगातार अपने पिछले पॉइंटिंग दिशा की ओर मूव करता रहता है और उसे जॉयस्टिक की सहायता से कंट्रोल किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा खेल खिलौने वाली वो GCB आती है ना, या हम लोगों ने कोई गेम खेलने जाते थे तो वहाँ देखा होगा इस हैंडल तरह का रहता है, इसी से घुमाया जाता है उसे। ये आपका है प्रकाशीय कलम, लाइट पेन। प्रकाशीय कलम एक हाथ से चलाने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग युक्ति है जिसका प्रयोग ड्राइंग्स बनाने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए और मेन्यू चुनाव के लिए करते हैं। पेन में छोटी ट्यूब के अंदर एक फोटो सेल होता है, यह इस पेन स्क्रीन के पास जाकर प्रकाश को सेंस करता है, उसके बाद पल्स उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में करते हैं। इसका प्रयोग स्क्रीन पर किसी विशिष्ट स्थिति को पहचानने के लिए करते हैं। यदि यह स्क्रीन के किसी रिक्त स्थान पर रखा जाता है तो यह किसी भी प्रकार की सूचना नहीं देता है। यह आपका है लाइट पेन, ये आपकी सभी इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। फिर आपका टच स्क्रीन, टच स्क्रीन एक प्रकार की इनपुट युक्ति है जो उपयोगकर्ताओं से तब इनपुट लेता है जब उपयोगकर्ता अपनी अंगुलियों को कंप्यूटर स्क्रीन पर रखता है। टच स्क्रीन का प्रयोग सामान्यतः निम्न अनुप्रयोगों में किया जाता है, ATM में, एयरलाइन आरक्षण, बैंक में, सुपरमार्केट और मोबाइल में। आपने देखा होगा ये, तो आजकल इसके बिना तो कुछ चल ही नहीं रहा है, क्योंकि आपका मोबाइल है, मुझे लगता है हर किसी के पास अब एंड्रॉयड फोन पहुंच गया होगा, क्योंकि बड़े तेजी से घर में चाहे खाने के लिए कुछ ना हो लेकिन व्यक्ति एंड्रॉयड फोन जरूर चलाएगा, ये अपना नियम बन चुका है। क्या बात, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं डिजिटाइजर्स और ग्राफिक टैबलेट। ये है आपका ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट के पास एक विशेष कमांड होती है जो ड्राइंग फोटो आदि को डिजिटल सिग्नल्स में परिवर्तित करता है। यह कलाकार को हाथ में से इमेज ग्राफिक इमेज बनाने की अनुमति प्रदान करता है। बात करते हैं हम लोग बारकोड, बारकोड रीडर, ये कई बार पूछ लेता है वन डे एग्जाम में। यह एक इनपुट युक्ति है, आपको इस बात को याद रखना है। बारकोड रीडर आपकी इनपुट युक्ति है। इसका उपयोग किसी उत्पाद पर छपे हुए बारकोड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। बारकोड रीडर से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, फिर उस किरण को बारकोड इमेज पर रखते हैं। बारकोड रीडर में एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है जो बारकोड इमेज को दोनों तरफ से पहचानता है।
एक बार एक कोड पहचानने के बाद इसे सांख्यिकी कोड में परिवर्तित करता है। बारकोड रीडर का ज़्यादा उपयोग सुपरमार्केट में किया जाता है, जहाँ पर बार कोड रीडर के द्वारा आसानी से किसी उत्पाद का मूल्य रीड किया जाता है। बारकोड गाड़ी हल्की स्याही की ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो सूचना के रूप में उपयुक्त किए जाते हैं। मशीन इसे आसानी से पढ़ लेती है। आपने देखा होगा बारकोड को जब हम लोग किसी मॉल में जाते हैं या मार्केट में खरीदते हैं तो वहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, ये भी आपने सुना होगा बहुत जान। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग किसी कागज़ पर बनाए गए चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है। यह कागज़ पर प्रकाश की किरणें छोड़ता है और प्रकाश की किरण जिस चिन्ह पर पड़ती हैं उस चिन्ह को OMR रीड करके कंप्यूटर को इनपुट देता है। OMR की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप कि प्रयोगशाला प्रयोगात्मक परीक्षा के उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है। इसकी सहायता से हजारों प्रश्न का उत्तर बहुत ही कम समय में आसानी से जांचा जाता है। अब जो आपके वन डे एग्जाम होते हैं उनमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उनमें हम लोग OMR सीट का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसे ही चेक करने के लिए आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर उपयोग होता है। बात करते हैं हम लोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह OMR का ही कुछ सुधरा हुआ रूप है। यह केवल साधारण चिन्हों को ही नहीं बल्कि छापे गए या हाथ से छाप साफ साफ लिखे गए अक्षरों को भी पढ़ लेता है। यह विकास स्रोत की सहायता से कैरेक्टर की शेप को पहचान लेता है। इस तकनीक को ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है। इसका उपयोग पुराने दस्तावेजों को पढ़ने में किया जाता है। इसका प्रयोग कई अनुप्रयोगों जैसे कि टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बीमा प्रीमियम आदि को पढ़ने में किया जाता है। OCR की अक्षरों को पढ़ने की गति 1500 से 3000 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, फिर आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR सूचनाओं का मैट्रिक्स के रूप में उनके आकार का परीक्षण करता है। उसके बाद उसे रीड करता है और रीड करने के बाद सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजता है। सूचनाओं में कैरेक्टर एक विशेष अंक से छपे होते हैं जिसमें आयरन कण होते हैं और उन कणों को मैग्नेटाइज किया जा सकता है। इस प्रकार की स्याही को चुंबकीय स्याही कहा जाता है। इसका प्रयोग हम लोग बैंक में चेक में नीचे छपे मैग्नेटिव इनकोडिंग संख्याओं को पहचानने और प्रोसेस करने के लिए करते हैं इसे। ठीक है, ये आपका चेप का प्रारूप है। ये तो देखा ही होगा, ये भी नहीं देखा है आप लोगों ने, तो देख लेंगे आगे चल के। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर एक डिवाइस है जिसका उपयोग किसी स्मार्ट कार्ड के माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। स्मार्ट कार्ड दो प्रकार के होते हैं, मेमोरी कार्ड और दूसरा है आपका माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। मेमोरी कार्ड में नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्टोरेज कंपोनेंट होता है जो डेटा को स्टोर करता है। माइक्रो प्रोसेसर कार्ड में वोलेटाइल मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट दोनों होते हैं। कार्ड सामान्यतः प्लास्टिक से बना होता है। स्मार्ट कार्ड का प्रयोग बड़ी कंपनियां और संगठनों में सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। ये आपका स्मार्ट कार्ड रीडर है, ये तो देखा होगा ना। फिर बात करते हैं हम लोग बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर एक प्रकार की डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति की अंगुलियों के निशान को पहचानने के लिए करते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर का मुख्य प्रयोग सुरक्षा के उद्देश्य से करते हैं। इसका उपयोग किसी संगठन में कर्मचारियों या संस्थान में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए किया जाता है। बायोमेट्रिक बहुत दक्षतापूर्वक कार्य करता है, इसलिए इसका उपयोग सुरक्षा के उद्देश्य से करते हैं। ये तो देखा ही होगा आपने बायोमेट्रिक सेंसर, क्योंकि आधार कार्ड
मुझे लगता है सबका बन चुका होगा, तो वहाँ तो देखा ही होगा। फिर है आपका स्कैनर। क्या है स्कैनर? स्कैनर का प्रयोग पेपर पर लिखे हुए डेटे या छपे हुए चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। यह एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो इमेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने के लिए प्रकाश को इनपुट की तरह प्रयोग करता है और फिर चित्र को डिजिटल रूप में बदलने के बाद कंप्यूटर में भेजता है। स्कैनर का प्रयोग किसी दस्तावेज को उसके वास्तविक रूप में स्टोर करने के लिए किया जा सकता है, जिससे उसमें आसानी से कुछ बदलाव किया जा सकता है। स्कैनर निम्न प्रकार के होते हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर ये आकार में काफ़ी छोटे और हल्के होते हैं, जिन्हें आसानी से हाथ में रखकर भी डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जा सकता है। यदि किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना हो तो डॉक्यूमेंट के अलग अलग भागों को स्कैन करना पड़ता है, लेकिन आकार में छोटा और हल्का होना इसका एक महत्वपूर्ण फायदा भी है। फिर आपका फ्लैट बेड स्कैनर्स। ये काफ़ी बड़े और महंगे स्कैनर होते हैं तथा काफ़ी उच्च गुणवत्ता के चित्र उत्पन्न करते हैं। इसमें एक समतल पटल होता है जिस पर डॉक्यूमेंट को रखकर स्कैन किया जाता है। यह बिल्कुल उसी तरह कार्य करता है जिस तरह फोटोकॉपी मशीन पर पेज रखकर फोटोकॉपी करते हैं। यह एक बार में पूरा पेज स्कैन करता है। फिर आपका ड्रम स्कैनर। ये मध्यम आकार के स्कैनर होते हैं। इसमें एक घूमने वाला ड्रम होता है। पेपर या सीट को स्कैनर में इनपुट देते हैं और स्कैनर में लगा ड्रम पूरे पेज पर घूमता है, जिससे पूरा पेज स्कैन हो जाता है। यह बिल्कुल फैक्स मशीन की तरह कार्य करता है आपका। अब बात करते हैं हम लोग माइक्रोफोन। माइक्रोफोन माइक्रोफोन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को साउंड के रूप में इनपुट देने के लिए किया जाता है। माइक्रोफोन आवाज़ को प्राप्त करता है, उसे कंप्यूटर के फॉर्मेट में परिवर्तित करता है, जिसे डिजिटाइज्ड साउंड या डिजिटल ऑडियो भी कहते हैं हम लोग। माइक्रोफोन में आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए एक सहायक हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है। इस सहायक हार्डवेयर को साउंड कार्ड कहते हैं। माइक्रोफोन को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है, जिससे आवाज़ कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाती है। आजकल माइक्रोफोन का उपयोग स्पीच रिकॉग्निशन और सॉफ्टवेयर के साथ भी किया जाता है, अर्थात इसकी सहायता से हम कंप्यूटर में टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जो बोला जाता है वो डॉक्यूमेंट में छप जाता है। ये देख रहा है आपका माइक्रोफोन। वैसे भी आजकल आप तो वैसे भी इनसे बहुत सी युक्तियों से परिचित होंगे, क्योंकि आप लोग आधुनिक युग में पहुंच चुके हैं। मुझे लेकिन इस आधुनिक युग का समझ में नहीं आया कि आखिर आधुनिक युग या फिर 21वीं सदी है आपकी क्या, क्योंकि हमें जो भी ये युक्तियाँ या फिर प्रौद्योगिकी जो साइंस ने हमें दिया है वो हमें टाइम बचाने के लिए दिया था कि हम टाइम को एडजस्ट कर सकें, क्योंकि 24 घंटे आज से पुराने जितना भी समय हो, चाहे आपका 2000 साल पहले हो, उस समय भी 24 ही घंटे होते थे हमारे लिए और आज भी हमारे लिए 24 घंटे हैं, लेकिन हम सुनते हैं लोगों की मुँह से हमारे पास टाइम नहीं है। फिर वो टाइम जाता कहाँ है आके? पहले के लोगों के पास हर किसी के लिए टाइम रहता था, परिवार के लिए भी वो टाइम निकालता था, घूमने के लिए टाइम निकालता था, पढ़ता भी था, सब कुछ करता था, फिर भी उसके पास टाइम रहता था। और आज हमसे पूछो या किसी से भी पूछो तो बोलता, अरे भाई मेरे पास टाइम नहीं है। वो आखिर टाइम गया कहाँ है? तो मुझे तो लगता है टिकटॉक फेसबुक जैसे जब से हमारे लिए संचार के माध्यम आए, इन्हीं ने टाइम हमारा खा लिया, पूरा इन्हीं के अंदर चला गया। चलिए अपना अपना काम है, सब कोई कर रहा है, कोई फेसबुक पर मुजरा, कोई टिकटॉक, पता नहीं मुझे टिकटॉक ये क्या है, सुनता रहता हूँ। चलिए अब हमारा वेब कैम या वेब कैमरा, देखा होगा लैपटॉप में रहता है इसमें। वेब कैम एक प्रकार का वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है। यह एक डिजिटल कैमरा है जिसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। इसका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंस,
कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैटिंग आदि कार्यों के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से चित्र भी बना सकते हैं। यदि दो लोगों के कंप्यूटर में वेब कैमरा लगा है और कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा है तो हम आसानी से एक दूसरे को देखकर बातचीत कर सकते हैं। कंप्यूटर में लगा हुआ वेब कैमरा, ये आपका वेब कैमरा। कुछ ही पॉइंट दिए गए, इन्हें भी देख लेते हैं। ऑप्टिकल माउस का आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट ने 1999 में किया था। ऑप्टिकल माउस का आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट ने 1999 में किया था। इसका नया ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में इमेज को स्टोर कर सकता है। ड्रैग या ड्रॉप का तात्पर्य माउस के बाएं बटन को क्लिक किए रखना और माउस पॉइंटर को किसी दूसरे स्थान पर ले जाए जाकर वाई बटन को छोड़ देना है। OCR टेक्नोलॉजी का विकास अधिक शुद्धता से अक्षरों को पहचानने के लिए किया गया है, इसलिए इसे इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्नाइशन कहते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम बोले हुए शब्दों को मशीन के पढ़ने लायक इनपुट में बदल देता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज कॉकपिट में वॉइस डायलॉग, सरल डेटा प्रविष्टि, स्पीच से टेक्स्ट प्रोसेसिंग में होता है। अब बात करते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस। अभी तक हम लोग इनपुट डिवाइस देख रहे थे, ठीक है। आपको इनपुट वनडे एग्जाम में अधिकतर इनसे इस अध्याय से पूछा जाएगा, तो ऐसे पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है। माउस आपका इनपुट डिवाइस है या आपका स्क्रीन टच माउस इनपुट डिवाइस है या कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको इनपुट डिवाइस याद रखना है और माउस आउटपुट डिवाइस ही। अब बात करते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को देखने तत अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस आउटपुट आउटपुट की को हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आउटपुट को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सॉफ्ट कॉपी को वह आउटपुट होता है, सॉफ्ट कॉपी वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है अथवा स्पीकर में सुनाई देता है, जबकि हार्ड कॉपी वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता को पेपर पर प्राप्त होता है। कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइसेस निम्न हैं जो आउटपुट को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत करता है, जैसे आपका मॉनिटर। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले डिवाइस भी कहते हैं, वीडियो VDU। मॉनिटर कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर और कलर डिस्प्ले मॉनिटर। मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए एक ही रंग का प्रयोग करता है। कलर डिस्प्ले मॉनिटर एक समय में 256 रंगों को दिखा सकता है। मॉनिटर पर चित्र छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है। इन बिंदुओं को पिक्सल के नाम से भी जाना जाता है। किसी चित्र की स्पष्टता क्लियरिटी तीन तथ्यों पर निर्भर करती है। स्क्रीन का रिजुलेशन, किसी मॉनिटर का रिजुलेशन उसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पिक्सल की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। किसी मॉनिटर की रेजुलेशन जितनी अधिक होगी उसके पिक्सल उतने ही नज़दीक होंगे और चित्र उतना ही स्पष्ट होगा। डॉट पिच, डॉट पिच दो कलर पिक्सल के विकिरणों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। यदि किसी मॉनिटर की डॉट पिच कम से कम हो तो उसका रेजुलेशन अधिक होगा और उस मॉनिटर में चित्र काफ़ी स्पष्ट होगा। फिर आपका रिफ्रेश रेट, 1 सेकंड में कंप्यूटर का मॉनिटर जितनी बार रिफ्रेश होता है वह संख्या उसकी रिफ्रेश रेट कहलाती है। ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रेश करने पर
स्क्रीन पर चित्र ज्यादा अच्छे और स्पष्ट दिखाई देते हैं। कुछ प्रमुख आपके प्रयोग में आने वाले मॉनिटर निम्नलिखित हैं, ये आपका कैथोड रे ट्यूब CRT, यह एक आयताकार बॉक्स की तरह दिखने वाला मॉनिटर होता है। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए प्रयोग करते हैं। यह आकार में बड़ा तथा भारी होता है। इसकी स्क्रीन में पीछे की तरह फॉस्फोरस की एक परत लगाई जाती है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। CRT में एनालॉग डेटा को इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा मॉनिटर की स्क्रीन पर भेजा जाता है। इलेक्ट्रॉन गन एनालॉग डेटा को इलेक्ट्रॉन्स में परिवर्तित करता है तथा इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज प्लेट के बीच में होते हुए फॉस्फोरस स्क्रीन पर टकराती है। इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर जिस जगह टकराती है उस जगह का फॉस्फोरस चमकने लगता है और चित्र दिखाई देने लगता है। फिर आपका LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं वनडे एग्जाम में अधिकतर। फिर LCD एक प्रकार की अधिक प्रयोग में आने वाली आउटपुट डिवाइस है। यह CRT की अपेक्षा काफी हल्का किंतु महंगा आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग लैपटॉप में, नोटबुक में, पर्सनल कंप्यूटर में, डिजिटल घड़ियां आदि में किया जाता है। LCD में दो प्लेट होती हैं। इन प्लेटों के बीच एक में एक विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है। जब प्लेट के पीछे से प्रकाश निकलता है तो प्लेट के अंदर के द्रव अलाइन होकर चमकते हैं जिससे चित्र दिखाई देने लगता है। यह है आपकी LCD। अब बात करते हैं LED, लिक्विड या लाइट इमिटेड डियोड। LED एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को देखने के लिए करते हैं। यह आजकल घरों में टेलीविजन की तरह प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे LEDs लगे होते हैं। जब विद्युत धारा इनसे गुजरती है तो ये LED चमकने लगते हैं और चित्र LED की स्क्रीन पर दिखाई देने लगते हैं। LED मुख्य रूप से लाल प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, किंतु आजकल LED लाल, हरा और नीला प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं। यह सफेद प्रकाश भी उत्पन्न कर सकते हैं। इन सभी रंगों के संयोग से विभिन्न रंग के चित्र LED में दिखाई देते हैं। मॉनिटर, 3D मॉनिटर। 3D मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग आउटपुट को थ्री डी डायमेंशन में देखने के लिए करते हैं। यह दो डायमेंशन मॉनिटर की अपेक्षा ज़्यादा स्पष्ट और साफ चित्र दिखाता है। यह चित्र को 3D मॉनिटर में देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह चित्र बिल्कुल वास्तविक चित्र है। यह आपका है 3D मॉनिटर। TFT, थिन फिल्म ट्रांसिस्टर। TFT एक्टिव और मैट्रिक्स LCD एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। TFT में एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए एक से चार ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये ट्रांजिस्टर पैसिव मैट्रिक्स की अपेक्षा स्क्रीन को काफ़ी तेज, चमकीला और ज़्यादा कलरफुल बनाते हैं। इस आउटपुट डिवाइस की मुख्य बात यह है कि हम इसमें बने चित्रों को विभिन्न कोणों से भी देख सकते हैं, जबकि अन्य मॉनिटर में यदि विभिन्न कोणों से चित्र लिखने पर चित्र स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। TFT अन्य मॉनिटर्स की अपेक्षा महंगा लेकिन काफ़ी अच्छा क्वालिटी का चित्र डिस्प्ले करने वाला आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम फैंटस। प्रिंटर्स एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त डेटा और सूचनाओं को किसी कागज पर प्रिंट करने के लिए करते हैं। यह ब्लैक और व्हाइट के साथ साथ कलर डॉक्यूमेंट की को भी प्रिंट कर सकता है।
किसी भी पेंटर की क्वालिटी उसकी पेंटिंग की क्वालिटी पर निर्भर करती है, अर्थात जितनी अच्छी पेंटिंग क्वालिटी होगी पेंटर उतना ही अच्छा माना जाएगा। किसी पेंटर की गति कैरेक्टर प्रति सेकेंड में, लाइन प्रति मिनट में और पेजेज प्रति मिनट में मापी जाती है। किसी पेंटर की क्वालिटी डॉट्स पिच प्रति इंच में मापी जाती है, अर्थात पेपर पर एक इंच में जितने ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु होंगे पेंटिंग उतनी ही अच्छी होगी। पेंटर को दो भागों में बांटा जाता है, पेंटर को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका इम्पैक्ट पेंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट पेंटर। पहला है आपका इम्पैक्ट पेंटर। यह पेंटर टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। इसमें अक्षर छापने के लिए छोटे छोटे पेन या हेम्बर्स होते हैं। इन पेनों पर अक्षर बने होते हैं। ये पेन स्याही से लगे हुए रिबन और उसके बाद पेपर पर प्रहार करते हैं, जिससे अक्षर पेपर पर छप जाते हैं। इम्पैक्ट पेंटर एक बार में एक कैरेक्टर या एक लाइन प्रिंट कर सकता है। इस प्रकार के पेंटर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की पेंटिंग नहीं करते। ये पेंटर दूसरे पेंटर्स की तुलना में सस्ते होते हैं और पेंटिंग के दौरान आवाज़ अधिक करते हैं, इसलिए इनका उपयोग कम होता है। इम्पैक्ट पेंटर चार प्रकार के होते हैं। डॉट मैट्रिक्स पेंटर्स। डॉट मैट्रिक्स पेंटर में पिनों की एक पंक्ति होती है जो कागज के ऊपरी सिरे पर रिबन पर व्यवहार करती है। जब पिन रिबन पर व्यवहार करते हैं तो डॉट्स का एक समूह एक मैट्रिक के रूप में कागज पर पड़ता है, जिससे अक्षर या चित्र छप जाते हैं। इस प्रकार के पेंटर को पिन पेंटर भी कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स पेंटर एक बार में एक ही कैरेक्टर पेंट करता है। यह अक्षर या चित्र को डॉट्स के पैटर्न में प्रिंट करते हैं, अर्थात कोई कैरेक्टर या चित्र बहुत सारे डॉट्स को मिलाकर प्रिंट किए जाते हैं। ये काफ़ी धीमी गति से प्रिंट करते हैं तथा ज़्यादा आवाज़ करते हैं, जिसे ऐसे कंप्यूटर के साथ काम कम प्रयोग किया जाता है। यह है आपका डॉट्स मैट्रिक्स पेंटर्स। फिर आपका डेली व्हील पेंटर्स, डेजी। डेजी व्हील पेंटर्स में कैरेक्टर की छपाई टाइपराइटर की तरह होती है। यह डॉट मैट्रिक्स पेंटर की अपेक्षा अधिक रेजुलेशन की पेंटिंग करता है तथा इसका आउटपुट डॉट मैट्रिक्स पेंटर की अपेक्षा ज़्यादा विश्वसनीय होता है। फिर आपका लाइन पेंटर्स। इस प्रकार के पेंटर्स के द्वारा एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट होती है। ये भी एक प्रकार के इम्पैक्ट पेंटर होते हैं जो कागज पर दाब डालकर एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट करते हैं, इसलिए इन्हें लाइन पेंटर कहते हैं। इनकी पेंटिंग की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन पेंटिंग की गति काफ़ी तेज होती है। फिर आपका ड्रम पेंटर्स। ये एक प्रकार के लाइन पेंटर होते हैं। इसमें एक बेलनाकार ड्रम लगातार घूमता रहता है। इस ड्रम में अक्षर उभरे हुए होते हैं। ड्रम और कागज के बीच में एक स्याही से लगी हुई रिबन होती है। जिस स्थान पर अक्षर छापना होता है उस स्थान पर हैमर कागज के साथ साथ रिबन पर प्रहार करता है। रिबन पर प्रहार को होने से रिबन ड्रम में लगे अक्षर पर दबाव डालता है, जिससे अक्षर कागज पर छप जाते हैं। फिर है आपका नॉन इम्पैक्ट पेंटर। ये पेंटर कागज पर प्रहार नहीं करते हैं, बल्कि अक्षर या चित्र प्रिंट करने के लिए स्याही की फुहार कागज पर छोड़ते हैं। नॉन इम्पैक्ट पेंटर पेंटिंग में इलेक्ट्रो स्टैटिक केमिकल और इंजेट तकनीक का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा उच्च क्वालिटी के ग्राफिक्स और अच्छी किस्म के अक्षरों को छापा जाता है। ये प्रिंटर इम्पैक्ट पेंटर की तुलना में महंगे होते हैं, किंतु इनकी छपाई इम्पैक्ट पेंटर की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर निम्न प्रकार के होते हैं। इंकजेट प्रिंटर में कागज पर स्याही की फुहार द्वारा छोटे छोटे बिंदु डालकर छपाई की जाती है। इनकी छपाई की गति 1 से 4 पेज प्रति मिनट होती है। इनकी छपाई की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। ये विभिन्न प्रकार के रंगों द्वारा
अक्षर और चित्र छाप सकते हैं। इन प्रिंटरों में छपाई के लिए A4 आकार के पेपर का उपयोग होता है। इंकजेट प्रिंटर में रिबन के स्थान पर गीली स्याही से भरा हुआ कार्टिज लगाया जाता है। यह कार्टिज एक जोड़े के रूप में होता है, एक में काली स्याही भरी जाती है और दूसरे में मैजेंटा, पीली और सियान रंग की स्याही भरी जाती है। कार्टिज की इस प्रिंटर का हेड होता है जो कागज़ पर स्याही की फुहार छोड़कर छपाई करता है। इंकजेट प्रिंटर को फ्रेया समांतर पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर में जोड़ा जाता है। वैसे आजकल USB पोर्ट वाले इंकजेट प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें रोज़ एक या दो पेज प्रिंट करना चाहिए जिससे इसका कार्टिज गोला रहता है और बेकार नहीं होता है। यह आपका इंकजेट प्रिंटर। बात करते हैं हम लोग आगे थर्मल प्रिंटर। क्या है थर्मल प्रिंटर? यह पेपर पर अक्षर छापने के लिए ऊष्मा का उपयोग करता है। ऊष्मा के द्वारा स्याही को पिघलाकर कागज पर छोड़ते हैं जिससे अक्षर या चित्र छपते हैं। फैक्स मशीन भी एक प्रकार का थर्मल प्रिंटर है। यह अन्य प्रिंटर की अपेक्षा धीमा और महंगा होता है। इसमें प्रयोग करने के लिए एक विशेष प्रकार की पेपर की जरूरत पड़ती है जो केमिकली ट्रीटेड पेपर होता है। फिर आपका लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के द्वारा उच्च गुणवत्ता के अक्षर और चित्र छापे जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के और विभिन्न स्टाइल के अक्षर को छाप सकते हैं। ये आपका लेजर प्रिंटर। इसकी छपाई की विधि फोटोकॉपी मशीन से मिलती जुलती है। इसमें कंप्यूटर से भेजा गया डेटा लेजर किरणों की सहायता से इसके ड्रम पर चार्ज उत्पन्न कर देता है। इसमें एक टोनर होता है जो चार्ज के कारण ड्रम पर चिपक जाता है। जब यह ड्रम घूमता है और इसके नीचे से कागज निकलता है तो टोनर कागज पर अक्षरों या चित्रों का निर्माण करता है। एक प्रिंटर अपनी क्षमता के अनुसार 1 इंच में 300 से 1200 बिंदियों की सघनता द्वारा छपाई कर सकते हैं। ये 1 मिनट में 5 से 24 पेज तक छाप सकते हैं। ये इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादा महंगे होते हैं। फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक प्रिंटर बहुत तेज गति छाप से छापाई करते हैं। ये प्रिंटर पेज प्रिंटर जो एक बार में पूरा पेज प्रिंट करते हैं की श्रेणी में आते हैं। ये प्रिंटर किसी डॉक्यूमेंट में 1 मिनट के अंदर 20,000 लाइनें प्रिंट कर सकते हैं अर्थात 250 पेज प्रति मिनट की दर से छपाई कर सकते हैं। इसका प्रयोग विकास पेपर कोरियर कॉपियर तकनीक के माध्यम से किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इस प्रिंटर का प्रयोग सामान्यतः बड़े फॉर्मेट की प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर बड़े प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है क्योंकि इनकी गति काफ़ी तेज होती है तथा प्रिंट करने में खर्च कम आता है। फिर बात करते हैं प्लॉटर। प्लॉटर प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग या चित्र जैसे कंस्ट्रक्शन प्लान्स, मैकेनिकल वस्तुओं की ब्लू प्रिंट AUTO ऑटो कार्ड या CAD CAM आदि के लिए करते हैं। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन पेंसिल मार्कर आदि राइटिंग टूल का प्रयोग होता है। यह प्रिंटर की तरह होता है। इसमें एक समतल चौकोर सतह पर कागज लगाया जाता है। इस तरह से कुछ ऊपर एक ऐसी छड़ होती है जो कागज के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चल सकती है। इस छड़ पर अलग अलग रंगों के 2 या 3 पेन लगे होते हैं जो छड़ पर आगे पीछे सरक सकते हैं। इस प्रकार छड़ और पेनों को सम्मिलित हलचल से समतल सतह के किसी भाग में कागज पर चिन्ह या चित्र बनाया जा सकता है। इनके द्वारा छपाई अच्छी होती है परंतु ये बहुत धीमे होते हैं तथा मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। लेजर प्रिंटरों में प्रिंटरों के आ जाने के बाद इनका प्रयोग लगभग समाप्त हो गया है। ठीक है, जब आपके लेजर प्रिंटर नहीं आए थे उससे पहले इन्हीं का प्रयोग होता था। प्लॉटर आपके दो प्रकार के होते हैं। फ्लैट बेड प्लॉटर। ये प्लॉटर साइज में छोटे होते हैं
तथा इसे आसानी से मेज पर रखकर प्रिंटिंग की जा सकती है। इसमें जो पेपर प्रयोग होता है उसका आकार सीमित होता है। फिर दूसरा है आपका ड्रम प्लॉटर, ये साइज में काफ़ी बड़े होते हैं तथा इसमें प्रयुक्त पेपर की लंबाई असीमित होती है। इसमें पेपर का एक रोल प्रयोग किया जाता है। ये आपका स्पीकर है, क्या है, स्पीकर है, इसे भी देख लेते हैं स्पीकर को। यह एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को आवाज़ के रूप में सुनाती है या कंप्यूटर से डेटा विद्युत धारा के रूप में प्राप्त होता है। इसे सीपीयू से जोड़ने के लिए साउंड कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। यही साउंड कार्ड साउंड उत्पन्न करते हैं। इसका प्रयोग गाने सुनने में, संवाद आदि में करते हैं। कंप्यूटर स्पीकर वह स्पीकर होता है जो कंप्यूटर में आंतरिक या बाह्य रूप से लगा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग हेडफोन्स। ये भी आपने काफ़ी लोगों ने देखा होगा हेडफोन्स। हेडफोन्स एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जिसमें लाउड स्पीकर का एक जोड़ा होता है। इसकी बनावट ऐसी होती है कि इस सिर पर बेल्ट की तरह पहना जा सकता है तथा दोनों स्पीकर मनुष्य के कान के ऊपर आ जाते हैं, इसलिए इसकी आवाज़ सिर्फ इसे पहनने वाले व्यक्ति ही सुन सकता है। किसी किसी हेडफोन के साथ माइक भी लगा होता है जिससे सुनने के साथ साथ बात भी की जा सकती है। इस उपकरण का उपयोग प्रायः टेलीफोन ऑपरेटरों, कॉल सेंटरों ऑपरेटरों, कमेंटरों द्वारा किया जाता है। इसे स्टेरियोफोन्स हेडसेट या कैंस के नाम से भी जाना जाता है। यह है आपका हेडफोन। फिर बात करते हैं प्रोजेक्टर। यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं या डेटा को एक बड़ी स्क्रीन पर दिखने के लिए करते हैं। इसकी सहायता से एक समय में बहुत सारे लोग एक समूह में बैठकर कोई परिणाम देख सकते हैं। इसका प्रयोग क्लासरूम ट्रेनिंग या एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल जिसमें ज़्यादा संख्या में दर्शक हों जैसी जगहों पर किया जाता है। इसके द्वारा छोटे चित्रों को बड़ा करके सफलतापूर्वक देखा जा सकता है। यह एक प्रकार का अस्थायी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रोजेक्टर। इनपुट आउटपुट पोर्ट भी देख लेते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग होता है उसे हम लोग इनपुट या आउटपुट पोर्ट कहते हैं। यह एक बाह्य इंटरफेस होता है जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉडेम, जॉयस्टिक आदि को कंप्यूटर से जोड़ते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट निम्न प्रकार के होते हैं। पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट एक माध्यम है जिसमें 8 या उससे अधिक तारों को जोड़ सकते हैं। इसमें 8 तारों से एक डाटा ट्रांसफ़र होता है। इसी वजह से इसकी डेटा स्थानांतरण की स्पीड काफ़ी तेज होती है। इसका प्रयोग कंप्यूटर से प्रिंटर को जोड़ने के लिए करते हैं। फिर आपका सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट के द्वारा एक बार में एक ही बिट डेटा भेजा जा सकता है। इसके द्वारा काफ़ी धीमी गति से डेटा स्थानांतरण होता है। इसका प्रयोग मॉडेम, प्लॉटर, बारकोड रीडर आदि को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए करते हैं। इस पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट या कॉम भी कहा जाता है। फिर आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। यह सर्वाधिक प्रयोग में आना वाला बाह्य पोर्ट है जो लगभग सभी कंप्यूटर में लगा होता है। सामान्यतः 2 से 4 USB पोर्ट कंप्यूटर में लगे होते हैं। USB में प्लग और प्ले फीचर होते हैं जो किसी डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने और चलाने में सहायक होते हैं। एक सिंगल USB पोर्ट में 127 डिवाइसेज को जोड़ा जा सकता है। फिर आपका फायर वायर। इसका प्रयोग ऑडियो, वीडियो या फिर मल्टीमीडिया डिवाइसेज जैसे कि वीडियो कैमरा आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह एक महंगी तकनीक है जिसका उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव और नई DVD ड्राइव को फायर वायर के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। इसके द्वारा 400 MB प्रति सेकेंड की दर से डेटा स्थानांतरण किया जा सकता है। मॉडेम का उपयोग डेटा को प्राप्त
और प्रेषित करने में किया जाता है। कंप्यूटर को चलाए जाने के लिए आवश्यक युक्तियों को स्टैंडर्ड युक्तियाँ कहा जाता है, जैसे कीबोर्ड, फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट हर्ट्ज में नापी जाती है। मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण मॉनिटर की स्क्रीन काली या रंगीन हो जाती है, जो एक वायरस की तरह कार्य करता है। अतः मॉनिटर का उपयोग करते समय सभी चुंबकीय उपकरण हटा देने चाहिए। ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राफ्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा चैप्टर, इनपुट और आउटपुट डिवाइस हम लोगों ने देख लिए। आगे हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। ठीक है, चौथा चैप्टर हमारा होगा कंप्यूटर मेमोरी।